नाजरीन अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद फरीदुद्दीन सिद्दीकी, NITI9 न्यूज़ वॉइस ऑफ इंडिया के खबरनामे में आपका खैर मकदम करता हूँ। आइए डालते हैं आज की खबर पर नजर। नाजरीन, खबर के इस्तेमाल पर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, खासकर बेल के बटन को दबाना बिल्कुल ही ना भूलें, जिससे हमारी खबर की तरह आपको मिलती रहेगी। नाजरीन, आपका सब्सक्राइब करना हमारी हिम्मत अफजाई होगी। आइए डालते हैं इस खबर पर। रियासत तेलंगाना के वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली महावीर दवाखाना पहुंचकर जनाब ज़कीउल्लाह खान की इयादत की। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना राष्ट्र समिति के सरगर्म कारकुन फसलांसर डिवीजन के सदर जनाब ज़कीउल्लाह खान कुछ नासाजगी तबीयत के सबब दवाखाना महावीर में शरीक किए गए, जिन्हें आज देखने के लिए तेलंगाना रियासत के वज़ीर दाखिला महावीर दवाखाना पहुंचकर इनकी इयादत की और इन्हें तसल्ली दिया कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, और खुसूसी डॉक्टरों से मुलाकात करते हुए डॉक्टर्स को हिदायत दी कि जनाब ज़कीउल्लाह खान के इलाज के लिए खुसूसी तवज्जो देते हुए इनका इलाज करें। वाद रहे कि जनाब ज़कीउल्लाह खान मौजूदा हुकूमत के सरगर्म कारकुन ही नहीं बल्कि हर दिल अजीज लीडर है, जो आवाम के बीच में रहकर इनकी खिदमत करते आ रहे हैं। नाज़रीन, हमारे चैनल के देखने वाले तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि जनाब ज़कीउल्लाह खान साहब की सेहत के लिए खासकर अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखें और इनकी सेहत के लिए दुआ करें। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह सुबहानहु तआला जनाब ज़कीउल्लाह खान साहब को जल्द से जल्द सेहत शिफाए कामिल आजिल अता करे। आमीन।